हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज का आज 17वां पार्ट है। इससे पहले 16 टेस्ट मैंने आपसे लिए। अगर आपने अभी तक उन टेस्टों की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जो भी मैंने टेस्ट लिए हैं वो सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए और करिए ट्रिपल सी को टॉप। कल की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम सेकेंड चैप्टर से हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय, और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आसानी से आप ये सब कुछ देखते रहे। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स, से सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसे आप अपने मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर देते रहिए, और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, और जो क्वेश्चंस कल मैंने पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर और टॉप 5 कमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 2। किसी भी विंडो में 2 स्क्रॉल बार हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+Alt+Escape, Ctrl+Shift+Escape, Ctrl+Escape या Shift+Escape। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+Escape का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और आपके लिए यहां पर जो क्वेश्चन है ये नए नए क्वेश्चन भी हैं, और नए क्वेश्चन भी मैंने यहां पर पुट किए हैं क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हर एक टॉपिक के जितने भी नए और पुराने क्वेश्चंस हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन आपको पर डे मिलता रहेगा। शाम को 8 बजे आप सभी तैयार रहिएगा। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप और लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप और लैपटॉप में आप सभी भी यूज करते हैं और अधिकतर हर जगह आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो नंबर 1 पर कौन है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। और नंबर 2 पे है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यूटिलिटी प्रोग्राम, एमएस वर्ड, कोरल ड्रा या पेज मेकर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रा भी है और पेज मेकर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम है ना। अब नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों, यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड, 2 प्रकार के। ठीक है ना, यूजर इंटरफेस 2 प्रकार के, कौन कौन से ये भी आप जान लीजिए।
तो एक है CUI और एक है GUI, है ना, CUI और GUI। अब नेक्स्ट, DTP स्टैंड फॉर, DTP का फुल फॉर्म क्या है, तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में वर्तमान सेशन को या वर्तमान सेशन को लॉगआउट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर्तमान सेशन को लॉगआउट करना है कहां पर करना है, लाइनेक्स पर करना है। तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला कहां पर, कि लाइनेक्स में है, और क्या करना है, वर्तमान सेशन को लॉगआउट करना है। आपके ऑप्शंस क्या है यहां पर, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एल, विंडो प्लस एल, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पर बात विंडो की होती तो राइट आंसर क्या होता, विंडो प्लस एल, लेकिन यहां पर बात हो रही है लाइनेक्स की, और लाइनेक्स में वर्तमान सेशन को लॉग आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी का, क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी। अगर आपसे यहीं पर यह क्वेश्चन पूछा था कि विंडो में वर्तमान सेशन को लॉग आउट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या होता, विंडो प्लस एल। ओके, अब नेक्स्ट, GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रे यूजर इंटरफेस, या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो शायद GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या होता है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है, .exe, .com, .prg या .o, तो कौन सा ऐसा फाइल एक्सटेंशन है जिसका डॉस में प्रयोग नहीं होता, जल्दी बताइए। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ट्रिपल सी में ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन 4, .o, .o आपका डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है। अब आगे नेक्स्ट, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, आरडी, सीडी, एमडी या पीडी, क्या होता है, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमडी कमांड का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसका उपयोग करते हैं, तो एमडी कमांड का उपयोग करते हैं नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, डेस्कटॉप में सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं, मतलब डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे होती है पट्टी उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, रिबन बार या टास्क बार। तो डेस्कटॉप में जो सबसे निचली पट्टी है उसको हम जानते हैं टास्क बार के नाम से, ठीक है ना, टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है, तो स्टार बटन आपकी कहां होती है, तो स्टार बटन आपकी टास्क बार में होती है। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि क्या टास्क बार को हाइड किया जा सकता है, ट्रू या फिर फाल्स, तो बिल्कुल सही है, आप टास्क बार को हाइड कर सकते हो, है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ट्रू। अब नेक्स्ट, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, आरडी, एमडी, सीडी या एनडी, वैसे ही किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, आरडी, क्या होता है, आरडी। अब नेक्स्ट, कौन सा आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं, है ना, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हुआ तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ आइकन्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो आइकन्स कौन से होते हैं, प्रोग्राम आइकन, सिस्टम आइकन, ड्राइव आइकन या फोल्डर राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद जो आइकन स्वयं बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम आइकन, जैसे आप देखते हो ना माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, तो ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके सिस्टम आइकन ही कहलाते हैं, है ना। जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, चैप्टर 2 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर काफी एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक को समझाया था कि क्या होता है सिस्टम आइकन, क्या है प्रोग्राम आइकन, क्या है ड्राइव आइकन, है ना। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, इसके अलावा लास्ट में इन स्क्रीन मैंने लगा दी है, वहां से भी आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट,
लिनक्स में करंट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सीपी, आईएस, एमकेटेड या फिर सीडी। अब यहां पर बात हो रही है लिनक्स की। इंपॉर्टेंट ये कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और दूसरी चीज यहां पर आपके लिए है करंट डायरेक्टरी और करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो लिनक्स में करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का, सीपी, आईएस, एमकेडिड या फिर सीडी। तो लिनक्स में करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम उपयोग करते हैं सीडी कमांड का। किसका उपयोग करते हैं, सीडी कमांड का उपयोग करते हैं। माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं ट्रू या फिर फाल्स। जल्दी बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, आप माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हो, है ना। जो माउस की लेफ्ट बटन है उसको आप राइट बना सकते हो और जो राइट है उसको लेफ्ट बना सकते हो। कैसे, इसके लिए एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जल्दी ही, जहां पर माउस की पूरी सेटिंग आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना सकते हो। माउस की प्राइमरी बटन किसको बोलते हैं और सेकेंडरी बटन किसको बोलते हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो माउस की लेफ्ट बटन होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी बटन, और जो माउस की राइट बटन है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बटन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, नई डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी है उसको हम जानते हैं सब डायरेक्टरी के नाम से। किस नाम से, सब डायरेक्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस की सेकेंडरी बटन कौन सी है, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी बटन कौन सी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी बटन कौन सी होती है और प्राइमरी बटन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, माउस की सेकेंडरी बटन कौन सी है, आप सभी जानते हो, राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, राइट। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि क्या माउस की प्राइमरी बटन को सेकेंडरी बना सकते हैं या माउस की लेफ्ट बटन को राइट बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, आप प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बंद स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम, ए और बी दोनों या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, साथ ही साथ बंद स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, जिनका उपयोग करने के लिए आपको कंपनी को किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट ना पेड करनी पड़े, वो है आपकी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जिसके लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप ऐसे ही डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हो, वह है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्लोज सोर्स या प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो जो आपके क्लोज सोर्स या प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस कंपनी का आप यूज करना चाहते हो उस कंपनी को आपको पेमेंट पेड करनी पड़ती है, है ना। तो यही अंतर होता है ओपन सोर्स में और बंद स्रोत में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, है ना, विंडोज आपका एक क्लोज सोर्स अर्थात प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि विंडोज को यूज करने के लिए आपको कंपनी को पेमेंट पेड करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट, किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, टॉप डायरेक्टरी या फिर एबप डायरेक्टरी। अभी एक दो दिन पहले जब इंटरनेट की मैंने क्लास ली थी, शायद सैटरडे को क्लास हुई थी इंटरनेट की, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है
तो इंटरनेट का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि एग्जाम में इंटरनेट ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर सकता है। तो इंटरनेट के जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर देखिए। मैं सैटरडे को वीडियो पोस्ट किया था, इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो वहां पर मैंने बताया था कि ट्री टोपोलॉजी में जो ऊपर की सिस्टम्स होते हैं, ऊपर की नोड होती हैं, उनको रूट नोड कहा जाता है ना। वैसे ही किसी डिस्क की जो सबसे ऊपर की डायरेक्टरी होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? तो रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसी डायरेक्टरी के अंतर्गत अस्थाई फाइल किसमें स्थित होती है? रूट डायरेक्टरी में, मेन डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंतर्गत जो अस्थाई फाइलें हैं वो आपकी करंट में स्टोर होती हैं। कहाँ स्टोर होती हैं? करंट में स्टोर होती हैं। अब आगे देखते हैं कल जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था उन क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले किन 5 लोगों ने दिया है? तो टॉप 5 कमेंट्स। कल के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया है विकास निर्मल जी ने, पूनम जी ने, अंकुश यादव जी ने, प्रेरणा सोनी जी ने और सोमेश सिंह जी ने। अब पहला क्वेश्चन क्या था? उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन था आपका मैसेंजर किससे संबंधित है? इंटरनल मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या नोटा, इनमें से कोई नहीं। अब आगे देखते हैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है आपका यूआई पैथ क्या है? कंप्यूटर वायरस, प्रोग्राम, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईएमपीएस कब लॉन्च किया गया? 2016, 2014, 2015 या फिर 2010। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ताकि आपका नाम मेरी वीडियो में टॉप पे आए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए। ये परिवार आपका है, इसीलिए इस परिवार को आप बढ़ाते रहिए। बहुत ही छोटा परिवार है और इसको भी बहुत बड़ा करना है। तो आप सभी लोग अगर मुझे सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे ही प्यार देते रहोगे, तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोस पर डे लाता रहूंगा और आपके साथ मैं मेहनत करता रहूंगा। और आपने देखा भी है कि पिछले कुछ महीनों से ही मैंने स्टार्ट किया है, अगस्त से मैंने ट्रिपल सी की क्लासेस स्टार्ट की थी और लगातार मैं सभी स्टूडेंट्स को ट्रिपल सी टॉप करा रहा हूं। अभी अक्टूबर का रिजल्ट आया है, आप सभी ने देखा होगा कितने स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस से ट्रिपल सी को टॉप किए हैं। तो करना है ट्रिपल सी को टॉप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से हर शाम को 8 बजे आप ट्रिपल सी की इस क्लास को पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। ऐसे ही आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए।